हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा केवल दो सलाइयों का डिजाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, स्टॉल, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, ये 2 के मल्टीपल बनेगा, केवल 2 रो की डिजाइन है। आप कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद आप राइट साइड से डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए, ये राइट साइड है, रो 1 है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, इसके बाद धागे को आगे लाएंगे और देखिए 1 2। अब देखिए यहाँ पर एक जाली वाला, जब धागा आगे लाएंगे जब सीधा बुनेंगे तो एक जाली वाला फंदा आएगा, फिर देखिए बुन लेंगे 2 फंदा हो गया। अभी इसको हमें स्लिप नहीं करना है, फिर धागा आगे करेंगे और फिर हम बुनाई करेंगे। देखिए तो हमारे 2 फंदे से हमने ये 4 फंदा बनाया। देखिए 1 साइड का एड स्टिच है, जाली वाला फंदा, बुनाई किया, फिर जाली वाला फंदा, फिर बुनाई किया, तो ये 4 फंदे। इसी तरीके से आपको 4 फंदे बनाने हैं। तो देखिए 1, पहले धागा को आगे कर लेंगे, ठीक, फिर देखिए 1 2। 2 फंदों में देखिए एक जाली वाला फंदा आ गया, बुनाई किया, 2 फंदा हुआ, धागा आगे करेंगे 3 फंदा हो गया, बुनाई करेंगे 4 फंदा हो गया। तो जब धागा आगे करते हैं तो एक जाली वाला फंदा बन जाता है। तो देखिए हमारे 1 2 3 4 फंदा हुआ। अब फिर धागा आगे करेंगे, अब देखिए 1 2 2 फंदों में देखिए इस तरीके से एक बार बुनाई करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर बुनाई करेंगे, तब देखिए इस तरीके से फिर धागा आगे लाएंगे 1 2। देखिए इस तरीके से ऐसे जाली वाला फंदा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर देखिए इसे ऐसे 2 का बंद करेंगे। तो इस तरह देखिए हमें जो है 2 फंदों में 4 फंदे इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक ना। फिर देखिए धागा आगे लाएंगे 1 2। अब देखिए ये ऐसे 2 फंदों का बंद करेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर देखिए ये 2 फंदों का में फिर दोबारा बुनाई करेंगे, सॉरी देखिए ये धागा आगे लाएंगे 1 2 2 फंदों में हम 4 फंदा बनाएंगे 1। देखिए जाली वाला 2, धागा आगे करेंगे 3, बुनाई किया 4, फिर देखिए धागा आगे करेंगे 1 2। देखिए इस तरीके से 2 फंदा हो गया, धागा आगे किया 1 जाली वाला, 1 फंदा बुना, धागा आगे 3 हो गया, बुनाई किया 4 हो गया। अब देखिए धागा करेंगे 1 आगे फंदा बहुत बन जाएगा, और 2 में 1 करेंगे, देखिए देखिए फिर धागा आगे करेंगे, फिर बुनाई करेंगे, 4 फंदा तैयार। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं। 1 फंदा एक्स्ट्रा बन गया था फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो है बैक साइड, तो देखिए 1 साइड का एड स्टिच है, बुन लेते हैं और ये बुन लेते हैं एक्स्ट्रा, ये 1 फंदा बन गया था। तो देखिए 1 2 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए ये 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, फिर देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए 1 2 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए ये 2 का 1 करेंगे, ये देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए ये 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह आप पूरी रो को ऐसे कंप्लीट करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं, अगर आप आसान डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो इस डिजाइन को आप ज़रूर बनाइएगा। देखिए ये 2 का 1 करेंगे और 1 ये साइड का एड स्टिच है, इसको बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स यही 2 रो आपको रिपीट करते जाना है, ठीक ना। जब यही 1 से लेके 2 रो रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।